इंसान अगर चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है, यही प्रमाण कर दिया एक 16 साल के लड़के ने। एक 16 साल के लड़के ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से आज उसको पूरी दुनिया जानती है। कौन है वो लड़का? बात है 1979 की, जब असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। जुरहाट में रहने वाला एक लड़का, 16 साल का एक लड़का, वो बाढ़ खत्म होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार वो चला गया। एक दिन जाकर देखने लगा कि वहां पर एक बंजर जमीन रहती थी और उस बंजर जमीन में हजारों सांप मरे पड़े थे। उस बाढ़ की वजह से वहां पर कोई भी सांप बच नहीं पाया। ये जो 16 साल का लड़का वहां पर ये सोचने लगा कि यहां पर अगर पेड़ पौधे होते तो कम से कम ये सांप बच जाते उस पेड़ पर चढ़कर। वहां पर तकरीबन 1,000-2,000 एकड़ की जमीन थी, खाली जमीन जहां पर सिर्फ रेत ही रेत था। उस 16 साल के लड़के के मन में बहुत चोट लगा और वो चला गया फॉरेस्ट ऑफिस में और वहां पर जाकर फॉरेस्ट के जितने सारे ऑफिसर्स थे उन सबको वो रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई साहब आप एक काम करिए, वहां पर एक बंजर जमीन है, रेत है, आप वहां पर थोड़ा बहुत पेड़ लगा दीजिए, कम से कम वहां पर जो प्राकृतिक जीव है वो बाढ़ से बच जाएंगे, बहुत सारे सांप वहां पर मर पड़े थे। लेकिन किसी ने उस 16 साल के लड़के की बात नहीं सुनी। सभी यही चीज बोलते रहे कि उस जगह पर, उस जमीन पर कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, तबाह कर जाती है। तो किसी ने उसको आइडिया दिया कि वहां पर आप अगर बांस लगाओगे तो कम से कम बांस तो उग सकता है, चांसेस है। यह लड़का घर गया, रात भर सोया नहीं, सुबह उठा। उठने के बाद घर के चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब लिए, कुछ बांस लिए और पैदल चला। पैदल 20 मिनट चला, उसके बाद नदी, एक नाव पे उठा, ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया। तकरीबन 2-2.5 घंटे साइकिल में गया उस जगह पर जाकर वहां पर कुछ बांस के पेड़ लगाए और वहां पर थोड़े बहुत और ज्यादा पेड़ लगाए। उसने ठान लिया था कि मुझे प्रकृति के जो जीव है उन सबको बचाना है। हर रोज सुबह उठते ही वो यही काम करता, सुबह उठता हर रोज। उसने इस काम के लिए कुछ टाइम उसने शेड्यूल करके रखा हुआ था। ऐसा करते 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 धीरे धीरे वहां पर जो पेड़ है वो बड़े होने लगे और ऐसा करते 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 पूरा एक जंगल वहां पर तैयार हो गया। यह सिलसिला 30 सालों तक चलता रहा। 30 साल उस लड़के ने काम किया, उस आदमी ने काम किया 30 साल और उसको कोई नहीं जानता था। 2009 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उसको पता चला था कि ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल हो गया है और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं। वहां पर जाकर जानवरों की तस्वीरों को खींचने लगा, वहां पर बहुत सारे रंग बिरंगी पक्षी आने लगी थी। तो अचानक देख रहा था कि साइड में एक आदमी बैठकर पेड़ लगा रहा है। तो ये गया जंगल में, कोई नहीं, वीरान जंगल में ये आदमी क्या कर रहा है। उसने जाकर पूछा कि भाई साहब तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वो बोला मैं तो पेड़ लगा रहा हूं। जंगल में पेड़ लगाने से क्या होगा? वो बोला कि मैं तो 30 साल से यही काम करता आ रहा हूं, इसलिए तो ये जंगल बना है। ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये चौंक गया और उसने क्या किया, उस आदमी का फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद उसको पूरे मीडिया में उसने फैला दिया। तभी से उसको पूरा आसाम उसको जानने लगा। यह खबर धीरे धीरे फैलता गया। उसके बाद 2017 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया और उनको द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है उनका नाम, जादव प्यांग, जो असम के रहने वाले हैं। मैं भी असम का हूं ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है उनके बारे में आप सबको शेयर करते हुए। और तभी से उनको मिला है ये अवार्ड, उनको ये नाम मिला है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अकेले ही 1360 एकड़ जमीन, 550 हेक्टर, जो कि यूएसए का जो सेंट्रल पार्क है उससे भी बड़ा जगह है, यादव प्यांग उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल में लाखों पेड़ लगाए, इसलिए उनको द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर एक इंसान एक कर सकता है, सब मिलके क्या करेंगे? सुसो हाथ बढ़ाओ, पौधे लगाओ, साथ मिलकर हरियाली बढ़ाओ। हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी उनको बुलाया और उनको 2,50,000 रुपए का एक चेक दिया, फाइनेंशियल हेल्प किया। 2015 में हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने भी उनको बुलावा दिया और उनको पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया। उनको 2020 में कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से भी उनको नवाजा गया, जो कि ब्रिटिश सरकार देती है। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी उनको कर्मवीर अवार्ड से भी उनको नवाजा।
सबसे मजे की बात क्या है पता है, उनकी जो स्टोरी, उनकी जो कहानी, कैसे एक आदमी ने फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया, एक जंगल बना दिया, इस कहानी को यूएसए के बहुत सारे स्कूलों में इकोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें वो पढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं हम। आज वो असम के वन और परिवेश संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर है। 2019 में असम में उनको आनंदराम बरुआ एकेडमी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। आज उनसे मिलने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बाहर से आते हैं, लंदन से आते हैं, पेरिस से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, दुबई से आते हैं और उनसे मिलके जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनकी स्टोरी जो बाहर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्या हमारे इंडिया के स्कूलों में पढ़ाना ठीक नहीं है? आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही लोग हमारे दुनिया में भरे पर हैं। हम दशरथ मांझी को हम देखते हैं, एक अकेला आदमी 22 साल लगातार एक पहाड़ को तोड़ डालता है। ऐसे ही लोग हजारों हमारे इंडिया में भरे पर हैं और उन सबको हम सल्यूट करते हैं, उन सबको हम सजदा करते हैं और उन सबको देखने के बाद यही एक बार पता चलता है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है इच्छा शक्ति, विल पावर। एक 16 साल का लड़का अगर वो प्रकृति के प्रेम में पढ़कर वो अगर इतना बड़ा चेंजेस ला सकता है, एक आदमी अपने वाइफ के लिए, अपने पत्नी के लिए 22 साल अगर एक पहाड़ तोड़ सकता है, तो आप मैं भी सब कुछ कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर। विल पावर अगर आपके पास है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरे दुनिया में शेयर करिए, अपने सभी प्रियजनों को शेयर करिए, आपके घर में जो बच्चे हैं उन सबको स्पेशली शेयर करिए, ताकि इन सबसे उन सबको मोटिवेशन मिले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट में किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। मैं केके सिन्हा फिर से हाजिर होता हूं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस Facebook पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करिए। आप सब तरक्की करें, आगे बढ़े, उन्नति करें और सेफ रहे। नमस्कार।